So good morning viewers, good morning from Ranbasera and welcome to our channel Vagabonds. वैसे तो Ranbasera का मतलब होता है रहने वाली जगह, पर ऐसे आप देख सकते हैं हम कैसे और कहाँ रह रहे हैं। इसकी हाइट 3100 मीटर्स है इस जगह की, और दिस इज़ डे 4 ऑफ आवर वंडरफुल जर्नी। पीछे मेरे पंकज भाई ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। वी आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। आज हमने जाना है Ranbasera लेक, जो कि काफ़ी पॉपुलर है यहाँ की और काफ़ी सुंदर और अच्छी भी है। ठंड रात काफ़ी थी दोस्तों, और रात स्टारी नाइट थी, काफ़ी स्टार्स थे। वैसे मैंने इतने स्टार्स स्काई में कभी देखे नहीं है, टूटे स्टार्स कभी नहीं देखे हमने। और मोर ओवर हाँ, दो तीन हमने टूटे स्टार टूटे हुए देखे, वो भी बहुत अच्छा लगा। बाकी मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हम एक नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं। सो दिस वीक इज़ अ नोमैडिक वीक ऑफ आवर्स। तो मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद। पंकज आपको बताएगा आगे आज हमारा क्या है। Ranbasera देखते हैं कैसा है, सुनने में तो आया बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। बाकी जाकर आपको देखेंगे भी और दिखाएंगे भी। सो कैच यू बैक। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कुणाल ने वैसे आपको आज का प्लान बता ही दिया है दैट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स Ranbasera लेक एंड डन विद द ब्रेकफास्ट। आज उसने आलू के परांठे, एग भुर्जी प्लस बॉर्नविटा, और एक मेंबर और हमारे साथ आज ब्रेकफास्ट करने के लिए हमारे साथ जुड़ा था। डॉगी मिला था, बोटिया ब्रीड होती है यहाँ पे, बहुत इंटेलिजेंट, और बेसिकली इट्स अ शेफर्ड ब्रीड, वो भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं। लास्ट वाले व्लॉग्स में भी हमने दिखाया था, हर की धून वाले में, उसकी कुछ पिक्स दिखाता हूँ आपको। सो दैट्स द डॉग। बस कैंप से आई थिंक मैं 1.5-2 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। थोड़ा रास्ता ख़राब था इसलिए व्लॉगिंग शुरू नहीं की। सो Ranbasera जाना जी, आज 10 किलोमीटर है यहाँ से, हाइट उसकी एग्जैक्ट वहीं जाकर आपको बताऊंगा। मज़ा आने वाला है। लेक्स तो वैसे ही कहते हैं पहाड़ जो माउंटेन लेक्स होती हैं, मेरी कमज़ोरी है इनफैक्ट किसी भी माउंटेन लवर की, चढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा। रास्ता डिफरेंट लग रहा होगा आपको हर की दिन से। कुणाल पीछे है, गाइड पीछे है, बस होप फॉर दी बेस्ट। आज कुणाल अच्छा फील कर रहा है, कल ठीक नहीं था। अब आपको रास्ता दिखाता हूँ Ranbasera का, इन्जॉय कीजिए, इट्स अ सनी डे।
कैसे हो कोच साहब? एकदम मस्त। तो ये कोच साहब हमारे प्रमोद जी, तो यही हमें यहाँ तक लेके आए हैं एंड वी आर एंजॉइंग अ लॉट। आज का रास्ता बहुत अच्छा है, वैली खुल गई है, धूप है बट सनशेड हेल्प कर रहे हैं, कैप जरूर लगाइएगा। फिलहाल रास्ते में एक ही स्पेशल है, वाटरफॉल्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, वाटरफॉल्स वाटरफॉल्स ये आपको भी मैंने दिखाया ही एंड बस ये आपको अभी कुछ शॉट्स दिखाए बोटिया ब्रीड के। पंजाब में तो क्या कहने, इवन ऑल ओवर इंडिया ये 60-70,000 एक लाख तक कीमत जाती है इनकी, और बहुत ही अच्छी नस्ल, मतलब ख़तरनाक नहीं है, बहुत फ्रेंडली हैं, बट जब ख़तरनाक होना तो इनके जैसा ख़तरनाक भी कोई नहीं है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा यार, जहाँ हमने स्टॉप लिया। इट्स अ 5 मिनट ब्रेक, इसके बाद फिर शुरू करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। बाय बाय। क्वाइट डेंजरस, रिब्स में पेन होने लगी, इतनी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई आई, जब उतरने लगा रास्ता इतना सा। एंड मेक श्योर जैसे ये ट्रेल है, आपने माउंटेन साइड चलना है, इधर नहीं जाना, मेक श्योर। बस हो गई यार, इट इज़ रियली टफ, कुछ रास्ते बीच में काफ़ी टफ आते हैं एंड आखिरी दो दिन तो हमारे बहुत टफ रहने वाले हैं। खैर, वो भी दिखाऊंगा आपको, आप एंजॉय कीजिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी यार, मजा आ गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यार जो लिटरली ना आपको पिस ऑफ कर देती हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे पहाड़ दिखा रहा हूँ, नदी के साथ हम लोग चल रहे हैं, इतनी अच्छी वाटर स्ट्रीम है। अब जो यहाँ पे कैंपिंग होती है आप कहीं भी कर सकते हैं, मतलब जहाँ आपको प्लेन जगह समतल जगह दिखी आप वहाँ कैंपिंग कर लेते हैं, पर कोई क्या करे, जब आप रास्ते में जा रहे हो कैंपिंग भी छोड़ो, आपसे आप रास्ते में जा रहे हो और आपको रास्ते में क्या दिखे, आई विल शो यू। This, all this garbage, trash, look, look,
ये यहाँ पे बॉन फायर की है रात को, यहाँ पे कैंप लगा होगा। और बाकी आप देखिए कितना कितना ब्यूटीफुल है, अभी आपको मैं दिखा रहा था। सो लेट मी नो भी आपको ये अच्छा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भी, मतलब अगर आप जा रहे हो और आपको ये ट्रैश दिखता है, हाउ डू यू फील? आई एम फीलिंग रियली बैड, क्योंकि मैं यहाँ आता ही इसलिए हूँ क्योंकि हमारे शहरों में ऑलरेडी ये सब कुछ बहुत है, बहुत देखने को मिलता है। तो रिक्वेस्ट है यार मेरे हर व्यूअर से, हर सब्सक्राइबर से, जो भी मुझे देख रहा हो, प्लीज़ यहाँ आके ये गंद मत डालो। हम जो भी ट्रैश लेके आए हैं अपने साथ वापस लेके जा रहा हूँ, और जो हमारे गाइड हैं वो भी जो ट्रैश यहाँ पे लेके आए हैं अपने साथ वापस लेके जा रहे हैं, सारा क्लीन करते हैं। जो हम पॉटी करते हैं या जो भी कहते हैं ना वेस्ट बचता है खाना, वो डिक करके उसके बीच में डालते हैं, मिट्टी को डिक करके, ताकि वो डिकम्पोज हो जाए। प्लीज़ फॉलो दैट, और आज या कल मैं आपको एक 5T फार्मूला होता है, आई विल लेट यू नो दैट ऑल्सो। प्लीज़ डू नॉट डू दिस। देवसु बुग्याल से ये ज़्यादा बेटर है। देवसु बुग्याल से जगह ज़्यादा अच्छी है। अरे सर ये तो तो व्यूअर्स, आई होप आपको भी ये जगह बहुत अच्छी लगी होगी। जब से ट्रैक शुरू किया है मुझे ये जगह सबसे ज़्यादा पसंद आई। इनफैक्ट जो लोग देवसु बुग्याल रुकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी उन्हें यहाँ पे ट्रैक करना चाहिए। ये जहाँ पे देवसु बुग्याल से मान लीजिए 2 किलोमीटर, अराउंड 7 किलोमीटर आगे है, रेनसारा से ये 3-4 किलोमीटर पहले होगी। आई लिटरली लव दिस प्लेस। आप देखिए साइड पे पेड़, बीच में वैली, ब्लैक पीक, बंदर पूछ आपको दिख रहा है, व्हाट एल्स यू नीड। और एक बाबा हमारे साथ चल पड़ा है, हमारे साथ ही कल इसने डिनर किया था, ब्रेकफास्ट किया, लेट्स सी आगे क्या कुछ करेगा। आई होप यू आर एंजॉयिंग, स्टे ट्यून। और ये आगे हमारे हीरो। लास्ट 3-4 किलोमीटर्स और अमेजिंग
मतलब काफ़ी आ चुके हैं, काफ़ी किलोमीटर चल चुका हूँ मतलब तालुका से, एंड बहुत प्यारा है। आपको दिख भी रहा होगा मेरे पीछे, मैंने अभी आपको वो लकड़ी के पुल से अभी दिखाया भी, अमेजिंग वाइड वैली है। आई एम एंजॉइंग अलॉट, आई थिंक बस रिनसारा लेक। अभी 12:05 हुए हैं, आई विल बी देयर बाय 12:30 मैक्सिमम अगर सब कुछ ओके रहता है। कुणाल थोड़ा पीछे है, आई एम वेटिंग फॉर हिम। वेट करता हूँ यहीं पे बैठ के, इंजॉय करता हूँ, फिर निकलते हैं। सी या, आप बस इधर विश्वारा लेक जाके मिलूँगा आपको। व्यूअर्स, दिस इज रिनसारा लेक, ब्यूटीफुल, मज़ा आ जाता है। कुछ कुछ चंद्रताल, सूर्यताल की तरह, एक्चुअली सारी लेक्स ऐसी होती हैं। वो थोड़ी बड़ी हैं, पेंगोंग और सुमरीरी तो खैर बहुत ही बड़ी हैं, बट इट्स अ रियली रियली गुड लेक। अब बस पहुंचता हूँ अपने कैंप तक, एंड उसके बाद हवा ठीक रहे आई मीन एयर, तो फिर ड्रोन शॉट्स लेता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। आई होप यू विल इन्जॉय, मैं भी बहुत इन्जॉय करूँगा। थोड़ा रास्ता भटक गया था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, पर ठीक है, फिर भी 12:30 ही हूँ। ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ आपको। तो व्यूअर्स, आई होप यार आपको ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे होंगे। हवा इज़ द फैक्टर, हर ब्लॉग में यही बोलता हूँ, हवा यहाँ काफ़ी तेज़ है, क्योंकि जब हवा तेज़ चलती है तो ड्रोन प्रोपेलर बहुत तेज़ घुमाता है अपने आप को संभालने के लिए, इसलिए बैटरी भी छेती चले जाती है। ये कैप इसीलिए लिया मैंने भी, क्योंकि हवा बहुत चल रही, कहीं सर को हवा ना लग जाए। एंड अब तक की बेस्ट कैंपिंग, आपको भी मज़ा आ रहा होगा मेरे पीछे देख के। एक और कोई आसाम से कोई डॉक्टर साहब आए हुए हैं यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको दिखाया, किचन उनकी रेडी हो चुकी है। अच्छा रहा आज का दिन, आई थिंक कुणाल 4 दिनों में आज सबसे अच्छा रहा। हाँ जी, बेस्ट डे आज का, अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, बहुत अच्छी मतलब लोकेशन है, सीनिक ब्यूटी है, कामनेस है, रियली एंजॉयिंग। रिनसारा को हम थम्स अप, यस, मतलब हर की दुना रिनसारा में से रिनसारा इज द बेटर ऑप्शन, और आप यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, बट वही ट्रैश मत कीजिएगा, साफ कर दीजिए ताकि आपके बाद आने वाला भी इंजॉय करे। तो ठीक है जी, आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। कल हम उडारी जा रहे हैं, कल उडारी जाएंगे, कल उडारी जा रहे हैं, समिट डे होगा, बाकी वंडरफुल एंड ऑफ द डे 4, मतलब यू कैन से नोमैडिक डे 4। नोमैडिक डे 4, आज इसकी नोमैडिक पे प्रॉपर सुई फंस चुकी है।
और बाकी आपने देखा, मैंने दिखाया था हम यहाँ पे गोवा वाली फीलिंग ले रहे थे लेट के, सन बाथ ली जैकेट्स डाल के। तो ठीक है जी, टिल नेक्स्ट एडवेंचर, डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू।